ये जयपुर शहर, मैंने अहमदाबाद शहर जब मैं घूम रहा था, जब मेरे को लगा था कि जयपुर शहर भी एक्सप्लोर किया जाए पूरा, क्योंकि आज तक कभी पूरा ढंग से ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया कि नेहरू बाज़ार, इंदिरा बाज़ार है, जौहरी बाज़ार है, बापू बाज़ार है, किशन पोल बाज़ार है। गाइस, फिर से हम जी हियर, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड अभी हूँ मैं प्रताप नगर, बैडमिंटन खेल के ही आ रहा हूँ। और मैं इधर बताता हूँ, कुंभा मार्ग पे हूँ। यह है जयपुर का प्रताप नगर एरिया, कुंभा मार्ग। इधर आगे इधर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, और सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी जॉब्स, मतलब एक तरह से इंडस्ट्रीज काफ़ी है, तो जो भी वहाँ जॉब करते हैं तो यहाँ रेंट पे काफ़ी लोग रहते हैं इस जगह पे। तो अभी टाइम हो रहा है, दिन के बज रहे हैं 1:30, खाना और खा के बैठ गए हम। भिंडी आज बना खाने में की सब्जी, तुरई का भिंडी, रायता, तुरई की सब्जी। तुरई की सब्जी, करेले की सब्जी, और एक और टिंडे की सब्जी। ये तीन सब्जियां तो ज़्यादा पसंद है, मंगोड़ी, ये तो मंगोड़ी भी थाली में ही पसंद है। मिलेगा। बाकी सब सब्जियां खानी चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, पता नहीं आजकल के बच्चे कुछ खाते ही नहीं है। क्यों, टेस्ट तो करता हूँ मैं। हाँ, करता है, कोशिश करता है हाँ, टेस्ट कोशिश तो, करने टिंडे तो जब भी अच्छी लगती है, लेकिन खाने की कोशिश तो करता ही हूँ। की। करेले भी अच्छे लगते हैं, मसाले से खा लो, करेले से मत खाओ। हाँ, करेले के मसाले से खा लो, मसाले करेले से को खा लो, जैसे बाकी भिंडी का करेले का मसाला जूस होता है। पीना चाहो तो पी लो। हाँ, जूस पी लो, जूस क्यों पी आज है? आज तक ही नहीं बना अपने तो जिनके करेले का जूस। डायबिटीज, जिनको प्रॉब्लम, वो पिए। करेले का जूस ऐसे तो थोड़ी पिए थे। वैसे अपन करेले के जूस की भी रेसिपी बना सकते हाँ, रेसिपी तो बना सकते हैं। आज तक, क्योंकि अपन ने भी एक भी बार नहीं बनाया। खाना खा के बैठ गए हैं, अब आधे घंटे मोबाइल देखेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। और देखता हूँ, आज शाम को प्लान है शहर जाने का। शाम को अगर बैठा मौसम सही चार रहा पांच तो बजे और मौसम सही रहा, मौसम की इजाजत हुई। गैस गाइस, तो अभी मैं हूँ इधर जयपुर शहर में, किशन पोल बाजार है ये। और इधर लेफ्ट साइड में, इधर मैं बताऊँगा आपको, नेहरू बाजार है, और राइट साइड में इंदिरा बाजार। ये जयपुर शहर, मैंने अहमदाबाद शहर जब मैं घूम रहा था, जब मेरे को लगा था कि जयपुर शहर भी एक्सप्लोर किया जाए पूरा, क्योंकि आज तक कभी पूरा ढंग से ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया कि नेहरू बाज़ार, इंदिरा बाज़ार है, जौहरी बाज़ार है, बापू बाज़ार है, किशन पोल बाज़ार है। तो आज चलते हैं, सबसे पहले मैं जाऊंगा इधर इंदिरा बाज़ार की तरफ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये इधर अजमेरी गेट होते हुए अंदर आएंगे तो इधर ये किशन पोल बाज़ार आएगा सामने की तरफ। किशन पोल बाज़ार रोड है, और फिर इधर लेफ्ट साइड में है इंदिरा बाज़ार। जो सामने जो दिख रही है रोड, वो है इंदिरा बाज़ार। बाकी आप अगर आओ तो गूगल मैप्स के सहारे भी आ सकते हो, गूगल मैप्स तो है ही जिंदाबाद। बाकी अपन चलते हैं पहले इंदिरा बाज़ार, क्योंकि जो शॉपिंग है मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी अच्छा मार्केट है शॉपिंग के लिए। तो ये मैं आ गया हूँ इंदिरा बाज़ार के मार्केट में। यहाँ ज़्यादातर तो रेडीमेड गारमेंट्स दिख रहे हैं मेरे को, और बिल्कुल सही रेट में मिल जाएंगे। अगर आप जयपुर आइए और जयपुर में शॉपिंग के लिए, तो जयपुर शहर ही बिल्कुल सही जगह है। तो आज मैं बता देता हूँ, आज है तारीख 26 मार्च। ज़्यादातर मतलब रेडीमेड गारमेंट्स ही मिलेंगे, क्योंकि जो और सही रेट में मिलेंगे, मतलब 300, 400, 500 की रेट पे आराम से जीन से मिल जाएगी। मैं सूरत में भी जो घूमा था, उधर चौक मार्केट में घूमा था, और उधर भी ऐसा ही मार्केट था, तो वैसा ही कुछ इधर है मार्केट।
मैं बता दूँ जयपुर में ही रहता हूँ मैं खुद भी। इधर खाने के लिए भी काफ़ी अच्छी शॉप्स है, लाइक ये अमर क्वालिटी स्वीट्स, काफ़ी चीज़ें फेमस है इधर। मसाला चौक ऐसी जगह वैसे जो शहर में है जहाँ हर जो भी फेमस फूड आइटम्स हैं जयपुर के वो सारे मिल जाएंगे, लाइक समोसा वाला जो फेमस है और चाय वाला भी फेमस जो है, जो भी मोस्ट फेमस जगह है उनने मसाला चौक में स्टॉल्स खोल रखी है अपनी। मसाला चौक भी आपको विजिट में करवाऊंगा आगे। यह है इधर सुरेंद्र चाट भंडार और इधर ये मावे की गुंजिया, अभी होली का टाइम है तो ये मावे की गुंजिया इधर मिल रही है अमरदीप स्वीट्स पे। जो इधर बाकी घेवर और घेवर फीणी ये जो मिलती है जनवरी फरवरी के टाइम पे मिलती है, काफ़ी फेमस है राजस्थान की। और इधर मैं बताऊँ आपको ये गन्ने की जूस की भी काफ़ी ये फेमस शॉप है, काफ़ी अच्छा क्राउड रहता है इधर भी। जो मेन जो शहर में जो गन्ने की जूस फेमस है वो इधर ही है, इसका नाम मैं अगर बताऊँ आपको है ये दुर्गा जी भंडार। मैं भी अभी यहाँ गन्ने का जूस थोड़ा पीता हूँ क्योंकि फिर काफ़ी घूमना हो गया है 1-2 किलोमीटर। और मैं आपको बताऊँ इधर इलेक्ट्रिक ऑटो चलते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो मतलब बिना पेट्रोल वाले इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, मतलब पिछले 2-3 सालों से चलने लगे हैं, तो काफ़ी एक कन्वीनियंट भी रहता है, कम पैसे सही रेट पर भी रहता है, चीप रेट। तो मैं बताता हूँ आपको अभी, अभी मैंने भी इलेक्ट्रिक ऑटो ही किया है। देखिए आप इस तरह के होते हैं नॉर्मल, आराम से जो नॉर्मल ऑटो होता है जिसमें 4 से 5 आदमी बैठ सकते हैं ये भी वैसे ही होता है। आप जो जो भी जयपुर से देख रहे हैं वीडियो बताना, जयपुर सिटी इज़ द वन ऑफ माई फेवरेट सिटी इन इंडिया। जयपुर सिटी तो एक अलग ही है कंपेयर करें और सिटीज से इंडिया की, नो डाउट। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं कहता हूँ अलविदा लेते हैं इस ब्लॉग में, और इसी तरह आपको अब रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। बाकी मैंने आज तो आपको ओनली इंदिरा बाज़ार की सैर कराई है और आगे मैं आपको और भी बाज़ार यहाँ के बताऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मज़ा आया वीडियो देखने में, थोड़ी नॉलेज मिली, लाइक ज़रूर से कीजिएगा, धन्यवाद।